फरवरी 2021 का राशिफल है ये धनु वालों के लिए यानी कि सेजिटेरियंस के लिए। धनु राशि का ये महीना कैसा रहने वाला है फरवरी 2021, यही सब बात हम इस राशिफल में करेंगे और बताएंगे कि हेल्थ, एजुकेशन, कैरियर, फाइनेंस, लव, फ्रेंडशिप, फैमिली और ट्रैवल के मामले में कैसा ये महीना गुजरने वाला है, क्या हॉरोस्कोप है आपके इन सब सब्जेक्ट्स में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। एक्चुअली में हेल्थ इज़ दी वेल्थ, हेल्थ से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। तो आपकी हेल्थ जो है, जो आपका स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा रहने वाला है धनु वालों का फरवरी में, और हेल्थ के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कोई पुरानी समस्या चल रही थी हेल्थ से जुड़ी हुई, तो वो भी आपकी फरवरी में सॉल्व हो जाने वाली है। आइए चलते हैं, आप जानते हैं एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। जो छात्र जो है प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। काफ़ी उम्मीद है कि उनका कॉम्पिटिशन जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो क्लियर कर पाएंगे अच्छे नंबरों से, और बहुत चांसेस हैं कि वो क्रैक कर जाएं। जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको जॉब मिल सकती है, या और कोई प्रतियोगिता वाली परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा है, तो वो भी उनकी क्रैक हो सकती है। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, एजुकेशन तो अच्छी है धनु वालों की, लेकिन सब्जेक्ट पर फोकस रखना है। प्रॉब्लम यही है कि सब्जेक्ट पर फोकस नहीं रहता है। सब्जेक्ट पर अगर फोकस करेंगे तो आपका बहुत कुछ निकल जाएगा। धनु वालों को वैसे पढ़ना अच्छा लगता है, मस्ती करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यही एक चीज़ है, मस्ती ज़्यादा करते हैं और पढ़ते कम हैं। तो थोड़ा सा मस्ती को पॉज दीजिए, ये कभी बाद में भी हो जाएगी, अभी पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दें। आप अच्छे, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आप ग्रास्प करते हो, आप कम टाइम पढ़ते हो लेकिन आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है, समझ है, वो बहुत अच्छी है, और आप जल्दी से चीज़ों को, मैटर को समझ जाते हो और गहराई तक समझते हो। इसीलिए आप फोकस अगर करेंगे सब्जेक्ट पे तो आप 100% कामयाब होंगे। अब बात करते हैं करियर की, जो ऑलरेडी जॉब में हैं या बिजनेस में हैं। अगर आप जो है नौकरी की तलाश में हैं, जो लोग, उनको जो है इस बार नौकरी का मिलने के चांसेस काफ़ी बन रहे हैं, इंटरव्यू क्रैक होने के या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। आप थोड़ा सा अपनी तरफ से असर्ट कीजिए, जोर लगाइए, आपका काम हो जाएगा, और भाग्य जो है वो आपका बहुत साथ देगा, और कोई रुका हुआ काम भी आपका ज़रूर बनेगा। और कैरियर में जो लोग जॉब में हैं, उनका मान सम्मान और कद काफ़ी बढ़ने वाला है जॉब एरिया में। अगर जो नौकरी करते हैं, आपके सामने काफ़ी सारे नए काम अवसर आपके सामने आएंगे, प्रोजेक्ट सामने आएंगे, आपको उनको देखना है, उनको ग्रास्प करना है। आप काफ़ी अच्छा जो है करने वाले हैं फरवरी के अंदर में। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है, वापस से ट्रैक पे आने वाला है, इनकम लेवल सुधर जाएंगे। उसके अलावा नया बिजनेस भी आपको कुछ मिल सकता है, नए अवसर जो है उसमें आप जा सकते हो, यानी कि बिजनेस के नए एरिया में जा सकते हो, बिजनेस में कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, वो आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। अब बात करते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस में जो है कुछ इस तरह का है कि आप अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं। धनु वाले अपना भाग्य खुद लिखते हैं, और जब ग्रह नक्षत्र का जो क्वाड्रेंट होता है, ग्रह नक्षत्र की जो समायोजन होती है, जब वो अच्छे से होती है तो ये और अच्छा हो जाता है। तो आपके केस में चीज़ें बहुत अच्छे से अलाइन है, और आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि अपना भाग्य आप भाग्य स्थान में बैठ के खुद लिख रहे हैं और अपनी भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। धन बहुत आएगा पर रुकेगा नहीं, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी आपके साथ, बट आप चिंता ना करें, धन आपकी आमद जो है वो बनी रहेगी और साथ के साथ आपका खर्चा भी रहेगा। तो आप चाह करके भी ज़्यादा खर्चा रोक नहीं पाएंगे, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि खर्चा थोड़ा कम हो। विकास की तरफ से प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, ये थोड़ी एड ऑन चीज़ है आपके लिए। बात करते हैं लव की, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लव मेट का आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। फरवरी का महीना है, अगर आपने अभी तक उनके सामने प्रपोजल नहीं रखा है तो आप रखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चांस बन रहे हैं, इस तरीके से अलाइनमेंट हो रही है आपके राशि के हिसाब से ग्रहों की, आपके लिए प्रेम का महीना है, आप इसे जिए और बहुत अच्छे से जिए, अहंकार बिल्कुल ना लाए। जो लोग मैरिड हैं उनका जीवन साथी से बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है,
उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे और आप ये वाकई में कहेंगे कि ये महीना प्रेम का महीना है, चाहे वो मैरिड लोग हों चाहे अनमैरिड हों। फ्रेंडशिप के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये वाला जो कंपोनेंट है फ्रेंडशिप वाला, इसमें थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि कोई भाई जैसा दोस्त आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए थोड़ा सा फ्रेंडशिप में विश्वास करने से पहले तोल मोल लें, चीज़ों को ज़रा ढंग से समझें, तभी कदम बढ़ाएं, क्योंकि इस महीने में कोई आपका प्यारा जिसको आप अपना समझते हैं वो धोखा भी दे सकता है। फैमिली की बात करते हैं तो परिवार और ससुराल पक्ष से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, बहुत प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, इस तरफ से आप बढ़िया रहने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवल की भी बात कर लेते हैं, भाई लंबी यात्रा का योग बन रहा है और छोटी छोटी यात्राओं का भी योग बन रहा है, जो मोस्टली बिजनेस या जॉब के पर्पज से होंगी और ये दोनों ही केसेस में आपको अच्छा बेनिफिट दे करके जाएंगी। अब बात करते हैं कैप्शन की, जो हमने वीडियो पे बोला हुआ है, लिखा हुआ है, इस संभल कर चलना वरना पछताओगे। इसका जो है सिंपल सा मतलब ये है कि फरवरी के महीने में कोई ऐसा आदमी जिसे आप अपना दोस्त समझते हैं, अपना भाई जैसा समझते हैं, वो आपके पीठ में छुरा भोंकने का काम कर सकता है, यानी कि आपको धोखा दे सकता है और इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है और ये नुकसान आने वाले कई महीनों तक जो है आपको परेशान कर सकता है। इसलिए किसी भी बंदे पे जो फैमिली से अलग हो, जिसको आपके परिवार के दायरे में ना आता हो लेकिन आप उसे अपना परिवार ही समझते हो, अपना भाई जैसा दोस्त समझते हो, तो उन पे ऐसा नहीं है कि अविश्वास ही करें, पर उनकी कही बातें, उनके कहे किए हुए काम पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, आँख बंद करके यकीन ना करें। ठीक है, अविश्वास में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ यही है कि आँख खोल करके काम करें, सोच समझ के डिसीजन लें, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ धोखा हो सकता है, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा ऑल एंड ऑल फरवरी जो है 2021 आपके लिए बढ़िया महीना है। तो ये वीडियो देखने के लिए, इसको वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो, धन्यवाद।